नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज का कार्यक्रम बहुत खास है। आज हम पंडित जी से जाएंगे रविवार के दिन कैसे भगवान सूर्य की पूजा उपासना करके आप अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, भगवान सूर्य से विशेष वरदान की प्राप्ति कर सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और आपका आज का राशिफल और लकी नंबर के अनुसार आज का लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें जी। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा? दिनांक 10 नवंबर 2024 दिन रविवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, रात के 9:01 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, प्रातः 10:59 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन माना जाता है। पंडित जी, रविवार के दिन भगवान सूर्य की उपासना का क्या महत्व? देखिए, सामान्यतः रविवार को सूर्य भगवान का, सूर्य देव का दिन मानते हैं। रविवार को सूर्य देव की उपासना से क्या लाभ हो सकता है, इसका महत्व क्या है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, होरा के नियमों के अनुसार रविवार का संबंध सूर्य देव से माना जाता है और रविवार का संबंध चूंकि सूर्य भगवान से है, इसीलिए इस दिन सूर्य देव की उपासना विशेष फलदायी होती है, विशेष लाभकारी होती है। आप सप्ताह में अगर किसी भी दिन सूर्य देव की उपासना नहीं कर पाते तो केवल रविवार को अगर आप सूर्य देव की उपासना करें तो उससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। रविवार को सूर्य देव के लिए विशेष उपाय करना लाभकारी होता है। बहुत सारी चीजों के लिए आप रविवार को सूर्य की पूजा कर सकते हैं और बहुत सारे वरदान आप रविवार को पा सकते हैं। केवल नियमों के अनुसार आपको रविवार के दिन सूर्य भगवान की उपासना करनी पड़ेगी। भगवान सूर्य की कृपा हो जाए तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पंडित जी, रविवार के दिन भगवान सूर्य की कैसे पूजा उपासना करें कि हमें आरोग्य का वरदान मिले? देखिए, आप ये बात जान लीजिए कि आपका स्वास्थ्य कैसा भी रहता हो, बहुत अच्छा हो, बहुत खराब हो, मध्यम हो, उसके पीछे हमेशा सूर्य देव की भूमिका होती है। तो रविवार को अच्छे स्वास्थ्य का वरदान कैसे मिलेगा, क्या उपाय करें हर रविवार को कि स्वास्थ्य अच्छा बना रहे? रविवार को प्रातः काल
स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और इस जल में थोड़ी सी रोली मिलाइएगा। रोली मिला हुआ जल रविवार को प्रातः सूर्य देव को अर्पित करिएगा। इसके बाद इत्मीनान से बैठ करके सूर्य देव का तांत्रिक मंत्र है, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का 3 माला जप करिएगा, 108 गुणे 3 बार। आप जब जल अर्पित करेंगे सूर्य देव को तो लोटे के किनारे जरा सी रोली लगी रह जाती है। इस रोली को अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर लगा लेंगे। ऐसा अगर आप हर रविवार को करना शुरू कर दें तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आज के विषय पर चर्चा जारी रहेगी। अभी वक्त हो गया है राशियों का, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है। वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा, किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, रुका हुआ धन मिल सकता है, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। जिन लोगों को हृदय रोग की परेशानी है, हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसे लोग रविवार के दिन पंडित जी क्या विशेष उपाय करें? देखिए, ज्योतिष में जो आपका हृदय है उसका संबंध होता है सूर्य से और सिंह राशि से। अगर सूर्य प्रभावित हो गया नकारात्मक रूप से या सिंह राशि में पाप ग्रहों का प्रभाव आ गया तो ऐसी स्थिति में आपको हृदय रोग की संभावना बन सकती है।
अगर हृदय रोग जैसी संभावना है या थोड़ी बहुत हृदय की समस्या है तो क्या उपाय करें जिससे इसको कंट्रोल में रखें, हृदय रोग से राहत मिले। हर रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे, सादा जल, प्लेन वाटर। जल में लाल फूल डालेंगे, अगर जवा पुष्प हो, गुड़हल का फूल हो तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद सूर्य देव का स्मरण करते हुए उन्हें गुड़ का भोग लगाएंगे और इसके बाद ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 3 माला या 11 माला जप करेंगे और रविवार को ही एक बार एक लाल चंदन की माला सूर्य देव को मानसिक रूप से अर्पित करिएगा और इस माला को धारण कर लीजिएगा। माला रात में सोते समय निकाल देंगे और सुबह स्नान करने के बाद दोबारा उस माला को धारण कर लेंगे। अगर ये उपाय हर रविवार के रविवार करें तो हृदय संबंधी जो समस्या है उस समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, करियर की बाधाएं दूर होंगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त है आपके सवाल का। यदि आपके मन में भी सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके लिए क्या करना है आपको बताएंगे। उसके पहले बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो। और
ऐसा क्यों जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें पंडित जी बताते हैं कि दैनिक जीवन में काम आने वाली महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है। और शुभ मंगल सावधान देखना ना भूलें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें, यदि आपके मन में सवाल है तो सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर bhagyachakra@aajtak.com में भेज दें। वहां से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हमें मंजरी जी ने लिखा है। मंजरी जी हमें देहरादून से मेल लिखती हैं। 11 जुलाई सन 2001 का जन्म है। दोपहर में 12:40 जन्म स्थान है देहरादून। मंजरी पूछ रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है? मंजरी, आपकी कुंडली के अनुसार आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की संभावनाएं अच्छी हैं। बैंकिंग में, फाइनेंस में, अकाउंटेंसी के क्षेत्र में आपको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल सकती है। थोड़ा सा प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और एक पन्ना, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को धारण करिए, आपको लाभ होगा। अगर शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अगर आप समस्याओं से घिरे हुए हैं, तो पंडित जी ऐसे लोगों को रविवार के दिन क्या विशेष उपाय करना चाहिए ताकि शत्रुओं पर विजय मिले? अब ये जानते हैं कि अगर आपके शत्रु बहुत हैं, आपके विरोधी बहुत हैं, या जीवन में तमाम समस्याएं हैं और उन पर आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो रविवार को सूर्य देव की उपासना कैसे करेंगे? हर रविवार के दिन उपवास रखिएगा, रविवार के दिन व्रत रखिएगा और इस व्रत में नमक का सेवन नहीं करेंगे, नमक नहीं खाएंगे। प्रातः काल स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे और इसके बाद सूर्य के सामने बैठ करके एक बार या तीन बार आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे और इसके बाद विजय प्राप्ति हो, शत्रु और विरोधियों पर विजय मिले, समस्याओं पर विजय मिले, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर हर रविवार को प्रातः काल आप ऐसा करना शुरू करें तो शत्रु और विरोधियों पर विजय मिलेगी, समस्याओं पर भी विजय की प्राप्ति होगी। देखिए, सूर्य देव को मान सम्मान, नाम और यश और पद देने वाला देवता या ग्रह मानते हैं, तो रविवार को सूर्य देव की कैसे उपासना करें कि जीवन में मान सम्मान मिले, नाम और यश मिले, पद और प्रतिष्ठा मिले? देखिए, रविवार को प्रातः काल एक लोटा जल ले लें, इसमें रोली, लाल चंदन और लाल फूल डालें और ये जल सूर्य देव को अर्पित करें। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा भगवान सूर्य को अर्पित करिएगा। इसके बाद ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का 3 माला
या 11 माला जप करेंगे और तांबे का चौकोर टुकड़ा अपने पास हमेशा रखे रहेंगे। हर रविवार को इसको गंगा जल से धो करके सूर्य की रोशनी दिखा देंगे और फिर अपने पास सुरक्षित रखे रहेंगे। तो ये तांबे का टुकड़ा चार्ज होता रहेगा, इसकी ऊर्जा बनी रहेगी और इसके प्रभाव से और आपकी पूजा से आपको मान सम्मान नाम और यश की प्राप्ति अवश्य होगी। अब बात तुला राशि की। शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, करियर में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा क्रीम, इसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। अब बात वृश्चिक राशि की। मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। इस समय कोई कीमती वस्तु खो सकती है, सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात धनु राशि की। बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। रविवार के दिन कौन कौन से काम करना लाभकारी होगा? पंडित जी हर दिन का अपना विशेष महत्व है, बिल्कुल, तो रविवार के दिन ऐसे कौन से काम करना चाहिए जिनसे लाभ हो? तो रविवार के दिन आप विशेष उपाय करके सूर्य देव की कृपा पा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि रविवार के दिन छोटे छोटे कौन से काम करें जिससे सूर्य देव की कृपा मिले और कल्याण हो। देखिए, संभव हो तो हर रविवार को भगवान सूर्य को जवा पुष्प यानी गुड़हल का फूल या आक के पुष्प, आक एक पौधा है, इसके पुष्प अर्पित करिएगा। गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान कर सकते हैं अगर सूर्य प्रतिकूल है तो, अगर सूर्य अनुकूल है तो दान नहीं करेंगे, लेकिन अगर सूर्य निगेटिव है, अशुभ फल दे रहा है, तो रविवार को गुड़, गेहूं और तांबे के बर्तनों का दान करें। रविवार को उपवास रखें और अगर उपवास नहीं रख पाते
तो रविवार को सात्विक भोजन ग्रहण करें, प्याज लहसुन मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। अगर आपको माणिक्य धारण करना है, आपको आवश्यकता है, तो रविवार की दोपहर में गंगा जल से धो करके इसको अनामिका अंगुली में धारण करें, आपको लाभ होगा। बाकी दिन आप सूर्य देव की पूजा करें या ना करें, लेकिन रविवार को सूर्य देव की पूजा करने से आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि यदि कभी सूर्य देव के दर्शन ना हो, जैसे अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है, तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ा देना चाहिए, ऐसा क्यों? लोगों का ऐसा मानना है कि अगर सूर्य देव के दर्शन ना हो तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ा देना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, सूर्य देव जो उगते हैं, जो उनका उदय होता है, वो पूर्व दिशा की तरफ से होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर सूर्य देव के दर्शन ना हो, सूर्य ना निकले, बादल हो, तो ऐसी स्थिति में पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके जल चढ़ाना चाहिए। जबकि वास्तव में अगर सूर्य देव के दर्शन ना हो रहे हो तो जल चढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। तो लोग कहते कुछ भी हो, सूर्य देव को जल तभी चढ़ाइए जब सूर्य देव के दर्शन हो रहे हो। अगर सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हो तो उनको जल चढ़ाने का कोई लाभ नहीं है। अब बात मकर राशि की। शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या आपकी हल होगी, परिवार में मंगल कार्य होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। अब बात कुंभ राशि की। शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कुंभ राशि, नई संपत्ति खरीद सकते हैं, कारोबार में लाभ होगा, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की। बृहस्पति की ये राशि है, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, काम की अधिकता रहेगी, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, करियर में आपको समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1,
आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर दो, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर तीन, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर चार, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर पांच, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर छह, स्थान परिवर्तन हो सकता है। नंबर सात, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर आठ, काम की अधिकता रहेगी। नंबर नौ, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब समय हो गया है भाग्य पहर का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान हमें क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। ऐसा करने से आपके नाम में और आपके यश में वृद्धि होगी। अब बात सक्सेस मंत्र की। पंडित जी, आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए? बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा कुंभ राशि के लोगों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, मन प्रसन्न होगा। आज का दिन मंगलमय होगा मेष राशि वालों के लिए। आपको धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, करियर में सुधार होगा। और आज सावधान रहना होगा कर्क राशि के लोगों को। बेवजह की चिंता और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए आज तक के साथ। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।